नमस्ते, हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल बनाई हुई है, ऑरेंज कार, ब्लू कार और रेड कार। इन तीनों पाइलों में से आपको जो पाइल पहले पसंद आती है या कार जो पहले पसंद आती है उन्हें चूज़ कीजिए और अपनी पाइल टाइम स्टैम्प में जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे दूंगी, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। तो ये तीनों पाइल को चूज़ करने में आपको परेशानी आ रही हो तो मैं आपको इतना ही बता दूं कि आप तीनों पाइल को देख लीजिए, फिर आंखें बंद करके जो पाइल आपको पहले नज़र आती है तो उसी वो ही पाइल आपकी होगी। तो चलिए देख लेते हैं। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस, आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस, जिस किसी ने भी ये ऑरेंज कार चूज़ की है तो उनके पार्टनर की डीप डिज़ायर उनको लेकर क्या है। डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है आपके पार्टनर की। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास पहला कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है फाइव ऑफ पेंटिकल, तीसरा कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल और तीनों पेंटिकल कार्ड आया है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। ओके, हम पहले ये तीनों कार्डों को उस सुजन डायरेक्ट से देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर देखेंगे आपकी पूरी रीडिंग। तो थोड़ा धैर्य बना कर रखिए गाइस प्लीज़। चलिए देख लेते हैं। द बर्डन, दूसरा कार्ड हमारे पास है इनोसेंस और तीसरा कार्ड हमारे पास है स्किज़ोफ्रेनिया और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है राइपनेस। तो आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर फोर ऑफ पेंटिकल्स से देख लेते हैं। आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर है कि वो आपके साथ कहीं अकेले रहना चाहते हैं और जहां आप दोनों को कोई भी जानता ना हो, दूर कंट्री या अलग स्टेट में कोई ऐसी जगह जहां आपको लोग कोई भी पहचानता ना हो और जान पहचान के लोग आपको मिलते ना हो, ऐसी जगह पर आपके पार्टनर आपको ले जाने चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं। और उनकी डीप डिज़ायर यही है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। उनका मन आपको लेकर है कि वो आपके साथ पूरी लाइफ इस तरह से ही बिताना चाहते हैं और वो बस आप में खो जाना चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती हो ऐसे कहीं देश में, या फिर यहाँ हमारे इंडिया में कश्मीर है जहाँ बर्फ गिरती है, तो जहाँ बर्फ गिरती है उस प्रदेश में या कंट्री में ले जाना चाहते हैं आपको और आपके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। उनका मन ये है कि वो आपके साथ इतना ज़्यादा खो जाए कि वहाँ आपको
कोई और डिस्टर्ब ना करे। उनका बस यही मन है कि आप दोनों हो और कोई ना हो आपके अलावा, उनकी यही चाहत है। और आप दोनों एक दूसरे के साथ बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के साथ खेलो, उनकी यही भी ख्वाहिश है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करो और दोनों एक दूसरे के प्यार भरे फ़ोटो खींचो, ये वही चाहते। आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर बहुत ही प्यारी और अच्छी है, मतलब उनकी डीप डिज़ायर आपको बस यही कह रही कि बस वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं और कोई भी वक्त बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब कोई भी वक्त वो इस तरह से नहीं बिताना चाहते हैं जिसमें आप ना हो। वो आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को इतनी अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहते हैं कि हाँ, उनका प्यार मतलब आप दोनों का प्यार कभी ख़त्म ना हो। आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर ये भी है कि वो आपको महारानी की तरह देखना चाहते हैं और एक महारानी बनाना चाहते हैं और एक नए ऊंचे ओहदे पर रखना चाहते हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरह से केयरफुली सजाना चाहते हैं, अपने हाथों से वो आपको सजाना चाहते हैं और एक प्रिंसेस की तरह आपको रखना चाहते हैं जिसको कभी भी कोई भी मुश्किल परेशानियों से गुजरना ना पड़े। और उनका बस यही मन है कि पहाड़ियों में वादियों में आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खो जाओ, एक दूसरे की बाहों में खो जाओ, बस उनका यही मन है। वो आपको एक रानी की तरह रखना चाहते हैं जिसको कभी भी वो गम या दुख देना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर ये है कि वो आपके साथ कभी भी बर्डन महसूस नहीं करते हैं, उन्हें बस ऐसा लगता है कि आपके साथ वो बस वक्त बिताते चले जाए, आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करे, अलग अलग कंट्री घूमने जाए, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग कपड़े की नई नई स्टाइल को पहनकर एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त बिताए, नए नए ड्रेसअप करके अलग अलग कंट्री में घूमते हुए अपना वक्त बिताते ही चले जाए, उनकी बस यही ख्वाहिश है। इनोसेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक इनोसेंस की तरह, मासूम बच्चे की तरह रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मासूम बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करें और उनका आपका प्यार कभी उनके लिए ख़त्म ना हो, बस उनकी यही ख्वाहिश है। वो आपके साथ एक नई फैमिली बनाना चाहते हैं, नया परिवार शुरू करना चाहते हैं। एक लड़का और लड़की वो आपके साथ नए बच्चे करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं और ये खुशनुमा पल कभी भी ख़त्म ना हो, बस उनकी यही चाहत है। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको नई नई उड़ान भराना चाहते हैं, मतलब नई नई जगह जहाँ आपने कभी देखी ना हो उस नई नई जगह को कि एडवेंचर दिखाना चाहते हैं, एक एडवेंचर महसूस कराना चाहते हैं, आपको नेचर के करीब ले जाना चाहते हैं और आप दोनों का वक्त कहाँ बीत जाए वो पता ही ना चले, वो ऐसा चाहते हैं। वो आपके साथ अपनी डीप डिज़ायर मतलब आपके साथ अपने एक
करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ उन्हें फ्रूटफुल महसूस होता है। वो आपके साथ जब होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि बस आपके साथ ही रहे और किसी की ज़रूरत नहीं है उनको। वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। तो ये थी आपके छोटे से प्यारे से रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस। तो अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ किए हैं तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस। जिस किसी ने भी ये पाइल टू ब्लू कार्ड चूज़ किए तो उनके पार्टनर की डीप डिज़ायर उनको लेकर क्या है, आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। हमारे पास पहला कार्ड आया एस ऑफ कप। आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। हमारे पास दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और हमारे पास तीसरा कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू ऑफ वांड्स। तो आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर देख ले, इसके पहले हम ये तीनों कार्डों को उस जन टैरो डेक से क्लैरिफाई करेंगे। हमारे पास पहला कार्ड आया है राइटनेस। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं। एक मिनट गाइस, मैं ठीक से रख देती हूँ। अभी आपको ठीक तरह से दिख रहे होंगे, राइट? ओके, एक मिनट गाइस। ओके, चलिए देखते हैं। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है सोरो। तीसरा कार्ड हमारे पास आया है ट्रैवलिंग। नाइस। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड है गाइडेंस। ओके, तो आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर यही है कि एक मिनट आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर यही है कि वो आपके साथ एक बीच, जहाँ बीच हो, जहाँ नदी झरने हो, उस जगह आपके के उस जगह पर वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। और सीप या योट या फिर क्रूज़, इन सब में आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। उनका प्यार आपके लिए एकदम ट्रू और प्योर है, इस वजह से वो आपके साथ अपने ज़िंदगी के नए नए पल बिताने के लिए सोचते हैं। वो आपके साथ नेचर, जहाँ खुली जगह हो, पहाड़, नदी हो और नए नए झरने हो, उस जगह पे आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं और आप में इतना ज़्यादा खो जाना चाहते हैं कि बस वक्त थम जाए, बस वो यही चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के डीप डिज़ायर ये भी है कि वो चाहते हैं कि आपको वो एक ऊंचा दर्जा दे और आपका सम्मान बढ़ाए, आपका मान बढ़ाए। और वो अपने फील्ड में इतने ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हैं कि वो आपको एक न्यू अबंडेंस लेडी की तरह देखना चाहते हैं और आपको न्यू अबंडेंस लेडी बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ महलों की रानी की तरह पेश आना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको अपनी दिल की पूरी बात बताना चाहते हैं
और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो आपके साथ वक्त नहीं दिया है, आपको अपनी फीलिंग नहीं बताई है अभी तक, वो आपके साथ वक्त बिताने, आप दोनों मिले तब आपके साथ वक्त बिताने के वक्त वो आपको अपनी सारी फीलिंग बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि वो आपके बगैर कुछ भी नहीं है। आपकी वजह से ही वो आज इतने स्टेबल बन पाए हैं, उन्हें ऐसा लगता है। वो आपके साथ अपने ज़िंदगी को पूरी उत्सुकता के साथ देखते हैं। राइपनेस का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपके साथ अपने फ्रूटफुल वक्त बिताना चाहते हैं और वो आपके साथ एक अच्छा पल बिताना चाहते हैं जहाँ आप दोनों एक दूसरे की बाहों में हो और एक दूसरे को प्यार करते रहे हो। इस तरह से वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। सोरो का कार्ड ये बता रहा है कि उन्होंने जो आपको वक्त नहीं दिया है उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है और वो आपको इतना ज़्यादा वक्त और टाइम, मतलब वक्त और प्यार देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे। वो रात रात भर रोते भी थे और सो भी नहीं पाते थे, वो आपको ये बताना चाहते हैं और आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने के सपने भी वो देखते थे पूरी रात, और पूरी रात आपके बारे में ही सोचते रहते थे, वो आपको बताना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड ये बताता है कि वो आपके साथ अलग अलग कंट्री स्टेट घूमना चाहते हैं और ट्रैवलिंग करके अपनी लाइफ को नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई दुनिया बसाना चाहते हैं आपके साथ। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हो तो उसको, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी इंसान या व्यक्ति शख्स की ज़रूरत उनको नहीं है। वो आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं और आपको एक पूरी दुनिया मानते हैं और आपके साथ वक्त बिताते बिताते वो, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि वो बोर हो रहे, उन्हें ऐसा लगता है बस आपके साथ वक्त बीतता ही चला जाए। टू ऑफ वांड और गाइडेंस ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, वो आपके साथ वो पूरी करना चाहते हैं और वो आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा रंगीन और उन्मुक्त पल बिताना चाहते हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल थ्री चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। तो चलिए देखते हैं कार्ड के थ्रू। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प अस। जिस किसी ने भी ये पाइल थ्री चूज़ की है रेड कार्ड, उनके पार्टनर की डीप डिज़ायर उनको लेकर क्या है। यूनिवर्स चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला कार्ड आया है जजमेंट। आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल। और तीसरा कार्ड हमारे पास आया है एट ऑफ वॉन्ड। ओके, तीनों पाइल में ट्रैवलिंग है, नाइस। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल। तो चलिए अब हम ये तीनों कार्डों को क्लैरिफाई करेंगे ओसोजन टैरो डेक से। यूनिवर्स बताइए आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर क्या है।
फाइल थ्री। पहला कार्ड हमारे पास आया है स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है वी आर द वर्ल्ड, और तीसरा कार्ड हमारे पास है नथिंगनेस, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है सप्रेशंस। ओके, जस्ट वन मिनट का इस कार्ड आपको दिख रहे है। ओके, चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर आपको लेकर ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप उनको बहुत ज़्यादा समझते हैं, इस वजह से वो आपके साथ एक बर्फीली जगह पे जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताए वो ही ऐसा चाहते हैं, और उनके मन में आपके लिए डीप डिज़ायर ये होती है कि आप उनको किसी भी हाल में संभाल लेते हो, और ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आपके पार्टनर को लगता है मैं कितना भी ज़्यादा गुस्सा करूं, कितना भी ज़्यादा आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूं, फिर भी आप मुझे किस तरह से संभाल लेते हो ये मुझे आज तक नहीं समझ आ रहा। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बस ये है कि आप एक एंजल की तरह हो उनके लिए, जो उनको हर वक्त संभाल लेते हो, और उनकी जैसे एक केयर, आप उनकी इतनी ज़्यादा अच्छे से केयर करते हो कि वो कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये इंसान मुझे कितना प्यार करता है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचने का मन हो जाता है, मतलब आपने आपके पार्टनर के दिल में कितनी अच्छे से जगह बना ली है। आपके पार्टनर आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप हो तो उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ लोग पहली पाइल से भी अट्रैक्शन महसूस हुआ होगा, इसलिए कुछ कार्ड सेम ही है, मतलब कुछ कार्ड में ये ट्रैवलिंग का कार्ड और ये स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड। ओके, तो जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ पहाड़ी जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती हो और जहाँ पहाड़ हो उस जगह पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, और आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हो, फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हो, इस तरह से वो आपको लेकर सोचते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपके लेकर एक स्टेबल फैसला तो लेना चाहते ही है, लेकिन वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जहाँ आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। उनकी डीप डिज़ायर यही है कि वो आपको इतना ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि लोग आपके साथ बात करने से पहले भी 100 बार सोचें और आपको एक रिस्पेक्ट दें, और आपके साथ वो अपनी एक अच्छी लाइफ बिताने के सपने हर रोज़ देखते हैं। एट ऑफ वन का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, वक्त बिताना चाहते हैं, और आपके साथ ही कितनी ज़्यादा फ्रूटफुलनेस महसूस करते हैं कि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाना चाहते हैं, एक तन्मयता लाना चाहते हैं, एक उत्सुकता लाना चाहते हैं, और आपको दिखाना चाहते हैं अपनी फीलिंग। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग आपके सामने रखना चाहते हैं कि वो आपके लेकर कितना ज़्यादा पैशनेट महसूस करते हैं, कितना अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और वो अपनी डीप डिज़ायर को अभी छुपाए हुए है, वो आपको पता है। वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, और उन्होंने आपको कभी नहीं कहा है कि वो आपको
इतना ज़्यादा डीप डिज़ायर से याद करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई उड़ान भरना चाहते हैं, एक नया आकाश छूना चाहते हैं, और जहाँ उनका वक्त बीतता ही चला जाए और वो वक्त ख़त्म ही ना हो, वो आपको नया एडवेंचर दिखाना चाहते हैं और आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको इतना ज़्यादा स्टेबल बनाना चाहते हैं कि आप दोनों साथ मिलके पूरी दुनिया जीत सको। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आप का आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर ये भी है कि वो आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं, एक नया परिवार बनाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक आप दोनों का भरा पूरा परिवार हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हो। बस वो आपके पार्टनर की यही डिज़ायर है मेन, कि वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं और आपको पूरी दुनिया दिखाना चाहते हैं। मतलब आप दोनों जो भी जिस जगह भी हो, मानो आपने पूरी दुनिया देख ली हो, इतना अच्छा फील एक दूसरे के लिए करो, वो ऐसा चाहते हैं। और आपके पार्टनर को आप में एक बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा फीलिंग महसूस होती है आपको लेकर। नथिंगनेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हो, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब आपको आध्यात्मिक का भी ज्ञान है, स्पिरिचुअली आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, मेंटली फिजिकली सोशली बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो आप, जो आपको किसी को आपको कोई भी समझा मतलब समझाने आए मतलब कोई समझाता नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ का ज्ञान है आपके पार्टनर को लगता है। और आपके पार्टनर को ये बात आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल इंसान हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा आपके सामने दिखावा या फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि मैं अपनी फीलिंग आपको बताऊं उससे पहले ही आप समझ जाते हो कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या फिर क्या महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा उनकी फीलिंग को समझ जाते हो, और ऐसा कोई भी नहीं कर पाता है आपके सिवा। और फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड और सेपरेशंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आप में इतना ज़्यादा खो जाना चाहता है कि वहाँ से कभी बाहर ही ना आए, वो आपको लेकर अलग दुनिया बसाना चाहते हैं और आपके साथ अपनी जिम्मेदारियों को, वो आपको एक जिम्मेदारी नहीं समझते, वो आपको अपने एक अदर हाफ समझते हैं जिसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। तो ये थी आपके छोटे से प्यारे से रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गाइस आप सब से। तो ये बाय गाइस।